नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धूलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कोरोना काल में दिल्ली सरकार ने कोरोना योद्धाओं को बड़ी राहत दी है, उनके परिवारों से मिलकर उनको आर्थिक मदद पहुंचाई है। इसी कड़ी में अब कोरोना काल में देश सेवा करते हुए शहीद जवानों के परिवारों को आर्थिक मदद पहुंचाई गई है। दिल्ली सरकार ने ड्यूटी करते हुए शहीद हुए 6 जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया है। रिपोर्ट देखिए। शहीद जवानों के परिवारों को बड़ी राहत। दिल्ली सरकार ने दी 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद। 6 जवानों के परिजनों को मदद का ऐलान। कोरोना काल में ड्यूटी पर शहीद हुए थे जवान। कोरोना काल में दिल्ली सरकार हर परिवार के दर्द को समझते हुए मदद कर रही है। इसी के तहत देश सेवा करते हुए शहीद होने वाले दिल्ली के 6 जवानों के परिवारों को दिल्ली सरकार की तरफ से 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली सरकार की तरफ से शहीद होने वाले पुलिस और सैनिकों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था, जिनमें आज 6 परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की मदद दी गई है। इनमें 2 दिल्ली पुलिस, 1 सिविल डिफेंस जवान और 3 एयरफोर्स ऑफिसर शामिल हैं। वहाँ पर व्यक्ति जब अपनी ड्यूटी निभाते हुए शहीद होता है तो उसकी उसके परिवार को जो नुकसान होता है उसकी भरपाई नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसके परिवार को सम्मान से जीने का एक जरिया बना रहे उसके लिए हर एक परिवार को इस तरह के 1 करोड़ की सम्मान राशि दिल्ली सरकार देती है। आज भी दिल्ली सरकार ने 6 ऐसे बहादुर सिपाहियों की शहादत को नमन करते हुए निर्णय लिया है, उनके बारे में निर्णय लिया है कि उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए की राशि देगी। दिल्ली पुलिस के जवान संकेत कौशिक, पुलिस जवान विकास कुमार, सिविल डिफेंस सुरक्षा कर्मी प्रवेश कुमार, एयरफोर्स के 3 अफसरों राजेश कुमार, सुनीत मोहंती, मीत कुमार कोरोना काल में देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए थे। इन सभी के परिवारों को दिल्ली सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी गई है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर बताया है, देश को बाहरी और भीतरी खतरों से बचाते हुए सुप्रीम शहादत देने वाले इन जाबाजों को मैं नमन करता हूं। दिल्ली सरकार इनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। हम इन परिवारों को कहना चाहते हैं, देश आपके साथ है, देश को आपके बेटे बेटी पर गर्व है। दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार देश की सेवा करते हुए शहीद हुए जवानों के परिवारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। बता दें, दिल्ली सरकार ने फ्रंटलाइन वर्करों के परिवारों को भी राहत दी है, जो सरकार का सराहनीय कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।